बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मेरे लिए एजाज की बात है आप लोगों से बात करना। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है और मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में। 20 साल इस दश्त की सियाही में यूरोलॉजी में गुजरी है, इससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा। और यहाँ टीम सी को इंचार्ज हूँ मैं, हेड करता हूँ। मेरी अगर मैं आपको अपनी पहचान अगर कहूँ तो मैं एक क्लिनिशियन हूँ, एक मालिज हूँ। 300 से ज़्यादा हमारी ओपीडी होती है और 25 से 26 ऑपरेशन हम हर अपने ओटी लिस्ट के ऊपर करते हैं। तो हम एक बिजी क्लिनिशियन हूँ। मैं एक एकेडमिशियन हूँ, मेरे ये जो एकेडमिक अचीवमेंट जो हैं वो मुल्की और बैन अल-अक़वामी तौर पे अल्लाह का शुक्र है कि वो उसकी एक वेटेज है और मुझे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है। मैं अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं इंग्लैंड में और बाकी बहुत सारे दीगर मुल्कों में और भी। एक मुहक्किक के तौर पे, एक रिसर्चर के तौर पे जो कि मेरी बहुत मेरी रूह में बसी है, रची बसी है, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे 78 आर्टिकल्स जो हैं, 78 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, जिसमें से 25 आर्टिकल्स मेरे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। मेरे कुछ रिसर्च वर्क के ऊपर अब PhDs हो रही हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जो जिनकी मैंने तरबियत की है वो अब यूरोलॉजिस्ट हैं, कुछ इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, कुछ अमेरिका में काम कर रहे हैं और पूरे इस वक्त पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। मुझे फ़ख्र है उन सब पे और मेरी एक हम्बल सी एक कंट्रीब्यूशन है अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस इलाके के लिए, अपने अपने इस खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा की एक सॉफ्टवेयर इमेज को प्रेजेंट करने में मैं मुझे हकीर का भी थोड़ा सा एक रोल है। मुझे खुशी होती है जब मैं प्रेजेंट करता हूँ अपने मुल्क को, अपने इलाके को। अभी भी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि पर कौन एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जो इंडिया में होती है, तो प्रोफेसर एस के पॉल एक लेजेंड है, एक नाम है बहुत बड़ा, उन्होंने मुझे खसूसी तौर पे दावत दी है कि मैं नई दिल्ली आऊँ, वहाँ उनके लिए सर्जरीज करूँ, उनके स्टूडेंट्स को सिखाऊँ। और उसके अलावा मेरे जो अभी भी 8 पब्लिक रिसर्च पेपर जो हैं वो SIU जो यूरोलॉजी की सबसे बड़ी एसोसिएशन है दुनिया की, उन्होंने मुझे इनविटेशन दी है। फिर SARC एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजिकल सर्जन्स है और यूरोलॉजी एशियन एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे इनविटेशन दी है, बाली में उनकी कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो ये पढ़ने पढ़ाने सिखाने लोगों की खिदमत करने का जज्बा जो है जारी उसारी है और मैं इस बात का कायल हूँ कि तिब में और टीचिंग में, वैसे तो किसी शोबे में भी लेकिन स्पेशली मैं जो बात कर रहा हूँ तिब में और टीचिंग में, एज अ टीचर, मेडिकल टीचर और एज अ क्लिनिशियन, मैंने हमेशा जो एक चीज़ देखी है वो ये है कि इखलास के बगैर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इस उम्र में अगर मेरी थोड़ी सी कामयाबियां हैं उसके पीछे मेरा इखलास हमेशा कार फरमा रहा है, इखलास से पढ़ाया है, इखलास से सिखाया है, इखलास से मरीजों का इलाज किया है। देखिए, गुर्दे मसाने की बीमारियां जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। हम एक बहुत जो तब्दीलियां आ रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें हम बहुत डिफरेंट किस्म के बिजार बीमारियों की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं।
हम बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उस एरिया में रहते हैं जिसको स्टोन बेल्ट बोलते हैं, जिसके अंदर गुर्दे में पथरी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, गुर्दे में पथरी बनने की शिकायत, ऊपर से तंबाकू नोशी, मौसमियाती जो क्लाइमेट चेंज और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से गुर्दे, मसाने और बाकी जो उसके कैंसर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, और उन कैंसर्स की जो ग्रेविटी है यानी वो हाई ग्रेड पहले ही डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब जहाँ मैं गुर्दे की पथरी की जिक्र करूँ तो बड़ी बदकिस्मती है, चूँकि हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस इतनी नहीं है, बदकिस्मती से पूरी दुनिया में गुर्दों की जो ख़राबी है जिसमें जैसे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, सबसे पहले शुगर है दुनिया में, फिर ब्लड प्रेशर है, फिर दोनों का मुश्तरका शुगर और ब्लड प्रेशर, और उसके बाद कुछ गुर्दों की अपनी बीमारियां होती हैं जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और गुर्दे में पथरी या पैदाइशी तौर पे गुर्दे में नुक्स, ये पूरी दुनिया में 9वें से 10वें नंबर पे आती है गुर्दे ख़राब होने की। हमारा पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये 4थे नंबर पे आती है कि गुर्दे में पथरियों की वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से बाद में गुर्दे के डायलिसिस और बाद में पैवंदकारी की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को डोर स्टेप पे जो डॉक्टर अवेलेबल है या उनके पास जा नहीं रहे या उनके पास वो अवेयरनेस है नहीं, और लोग गैर मुस्तनद लोगों के पास इलाज के लिए जाते हैं, और जब वो उसकी पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल वो दम आखिर तक आ जाते हैं, तो फिर उस वक्त वो हमारे पास तशरीफ़ ले आते हैं। स्टोन डिज़ीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा है, स्टोन डिज़ीज़ बड़ों में बहुत ज़्यादा है, स्टोन डिज़ीज़ बुज़ुर्गों में बहुत ज़्यादा है। जो जिसकी तदारुक जो है उस पर बहुत लेवल्स पे हम काम कर भी रहे हैं, हम अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं, मैं अखबारों में भी लिखता हूँ अवेयरनेस के लिए, और मैं आप जैसे दोस्तों के साथ मिलके प्रोग्राम्स भी करता हूँ, मैं टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी कर लेता हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान पे रेडियो पे भी बोल देता हूँ कि हमने सिर्फ अगर हम पानी भी ज़्यादा पिएं, जिनके गुर्दों में पथरी की शिकायत है तो गुर्दों में अगर पानी भी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पीना चाहिए उनको, तो वो तनासब गुर्दे में पथरी बनने का 25% से कम करके एक साल में 5 साल में 9% तक ला सकते हैं। 9% से कम नहीं हो सकता क्योंकि जीनियाती कुछ नुक्स ऐसे होते हैं। दूसरी एक बात वो ये कि इसमें मेरे रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं कि पूरी दुनिया में मर्दाना गदूद जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं, उस प्रोस्टेट की वजह से उसकी एक पेचीदगी है कि पेशाब बिल्कुल रुक जाता है और फिर आपको कैथेटर वो नलकी लगानी पड़ती है, ये पूरी दुनिया में बहुत रेयर है कि उस लेवल तक मरीज़ चला जाए कि उसका पेशाब रुक जाए और नलकी लगानी पड़ जाए और ऑपरेशन कराना पड़े। बड़ी बदकिस्मती से हमारे 60 से 70% बुज़ुर्ग जो 60 साल से ज़्यादा हैं, उनकी पहली प्रेजेंटेशन ही यही होती है कि वो नलकी के साथ आ जाते हैं हमारे पास, और जब हम उनसे पूछते हैं कि इतनी देर क्यों लगी, तो वही लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, वो पेशाब की इस शिकायत को अपने उम्र का तकाजा समझने लगते हैं कि शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे पेशाब के लिए ज़्यादा उठना पड़ेगा, मुझे अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी मुझे रात को ज़्यादा उठना पड़ता है। फिर कंबाइंड फैमिली सिस्टम में हम कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो जनूबी एशिया में हमारे जितने ममालिक हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम है वो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ हमसे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन, हमारे वालिद, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे चचा, हमारे ताया, ये सब हमसे निगलेक्ट हो जाते हैं। हम अपने कारोबारों में बिज़ी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वो रात को कितनी मर्तबा उठ रहे हैं, उनका पेशाब खुल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है कि मुतमईन नहीं है।
हम उनको उस वक्त एंटरटेन करते हैं जब उनका पेशाब रुक जाए और इमरजेंसी में कैथेटर लगे। तो अगर हम टाइम पे मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएं प्रोस्टेट का, तो शायद उनको ज़िंदगी भर में ये ऑपरेशन की नौबत ना आए। गर्मी का मौसम है, इस गर्मी के मौसम में मेरी बड़ी 10x10 इल्तिजा है कि जहाँ इस गर्मी के मौसम में लोग जो हैं वो खाने जिस वजह से गैर मियारी होटल से और गैर मियारी चीज़ें खाना शुरू करते हैं जिससे पेट ख़राब हो जाते हैं, उससे अपने इस हाल और दस्त और खसूस बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके साथ साथ बुज़ुर्गों में जिनमें डिहाइड्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो डिहाइड्रेशन होती है, जो पानी और नमकियात की कमी होती है, वो गुर्दों को बहुत मुज़िर है, गुर्दे उनसे ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें भी साफ़ पानी की सहूलत अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल होती है, नहीं तो आप साफ़ पानी के साथ साथ वरना पानी उबाल के उसको ठंडा कर लें और उसको पी लें, तो ये जो है बहुत सारी बीमारियों से खुसूसी तौर पे गर्मी में बचा जा सकता है। इस वक्त खुसूसी तौर पे यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका सलूशन क्या है। नंबर एक तो ये है कि हमें एक चीज़ जो तस्लीम करनी है वो हमने फैक्ट्स को तस्लीम करना है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा माशाल्लाह अपने हद तक वो सब कुछ डिलीवर कर रही है, करने की कोशिश कर रही है जिससे सेहत और मुफाद आमा का काम हो सके, जिसके लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ का बखूबी इदराक है, मैं इस चीज़ का कायल हूँ अपने दिल से, कि हम इस वक्त एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुज़र रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि जो शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम लोग गिले शिकवे तो कर लेते हैं, हुकूमत ये नहीं करी हुकूमत, लेकिन कभी हम सोचते नहीं हैं कि हुकूमत की मजबूरियाँ क्या हैं। मैं अपनी ओपीडी में 350 से 400 मरीज एक दिन में देखता हूँ। मैं एक हफ्ते के अंदर 50 से 55 ऑपरेशन करता हूँ, और आप हैरान हो रह जाएंगे कि इसमें 40% जो मरीज़ हैं उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। उसके बाद वो लोग जो जनूबी अजला से ज़्यादा आ जाते हैं, गरीब गुरबा जो जनूबी अजला से आते हैं वो लोग हैं, जो दूर दराज शुमाली इलाका जान से आ जाते हैं वो आ जाते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। मेरा एक बहुत पुराना ख्वाब है और वो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी यूरोलॉजी, और ये ख्वाब ऐसा नहीं है कि जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सिंध गवर्नमेंट ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट SIUT बनाया, और अब उन्होंने अपना सैटेलाइट सेंटर जो है सखर में भी बना लिया, नवाबशाह में भी बना लिया, मिट्टी में भी बना लिया, जहां उनके रेजिडेंट्स उनके डॉक्टर्स जाते हैं और उस सेंटर में डायलिसिस करते हैं, रोटेशंस पे जाते हैं, और वो चल पड़े हैं, वो उनके दो ये तीन अस्पताल में चल रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल ने बिल्कुल यही किया है, उन्होंने सैटेलाइट सेंटर बनाए। हुकूमत पंजाब ने PKLI ने जब अपने आप को चंद ही साल पहले में जब उन्होंने अपना काम प्रूफ किया PKLI ने, तो अब हुकूमत पंजाब ने उनको मुल्तान में PKLI दे दिया और रावलपिंडी में PKLI दे दिया। हम अपनी हुकूमत से ये 10x10 गुजारिश करते हैं, अगर हम अपने साथ हमारा ऑडिट पेश करें तो हम यूरोलॉजी में साल में 50,000 से ज़्यादा मरीज देखते हैं। हम तकरीबन 30,000 से 35,000 ऑपरेशन साल में कर रहे हैं, और ये उन लोगों के ऑपरेशन हैं जो पेरिफ्री से आए हुए हैं, उनमें 80% लोग, 40% अफगानिस्तान से आते हैं। मेरा अपने जहन में जो ये मेरा कॉन्सेप्ट है जिस पे वो सिंध और पंजाब गवर्नमेंट वाले ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है वो ज़्यादा हमसे आगे हो गए,
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी यूरोलॉजी के हम मुख्तलिफ पहलुओं से लोगों का इलाज करें। एक, गवर्नमेंट हमें इनिशिएटिव दे, नियर बॉर्डर फैसिलिटी में मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोरम एजेंसी पालाचिनार है, बहुत खूबसूरत अस्पताल है उनके साथ, आप उसमें हमें यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी की फैसिलिटी दें। हम एनजीओस के पास जा सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम उस माशरे में काम कर रहे हैं जहां मुखय्यर हजरात दिल खोल के अतिया देते हैं। मैं अपनी टीम के साथ, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ झोली फैलाने को तैयार हैं कि हम पर ट्रस्ट करें, हमें हेल्प आउट करें। हम अगर पालाचिनार में आपके लिए सेटअप तैयार करके देते हैं तो जो नियर बॉर्डर जो वहाँ से अफगानिस्तान से मरीज आते हैं या उधर जो नज़दीक जो इलाकों से कुर्ब-ओ-जवार से मरीज आते हैं वो उधर ही ट्रीट हो जाएंगे। हम अगर वज़ीरिस्तान में किडनी के वार्ड और हॉस्पिटल शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे 3-4 यूनिट्स का सिस्टम शुरू करते हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुखय्यर हजरात आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह SIOT वालों ने किया। यहाँ एक बात मैं बहुत करना चाहता हूँ, हमारे सबके उस्ताद हैं प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी साहब, हम बहुत इंस्पायर हैं उनसे, इंस्पिरेशन, एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि हम एक मरीज को सिर्फ इसलिए नहीं मरता हुआ देख सकते कि उसके पास जीने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नहीं देख सकते उसको मरते हुए कि उसके पास जीने के लिए पैसे नहीं है। आए हमारा हाथ बटाएं। मैं खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम की विरासत से, हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, मुखय्यर हजरात से, NGO से दस्त बसदा गुजारिश करता हूँ, आप एक मरतबा ट्रस्ट तो करें हम किडनी सेंटर वालों पे, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज पे, हमारे पास बहुत ह्यूमन रिसोर्स है। मुझे एक दिली तकलीफ होती है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जितने रेजिडेंट्स हैं, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरे जितने रेजिडेंट्स हैं सब ने MRCS जो रॉयल कॉलेज इंग्लैंड के एग्ज़ाम है वो दौरान मेरे साथ ट्रेनिंग में पास कर लेते हैं, कुछ लोग हैं अमेरिका के एग्ज़ाम देते हैं, बहुत अच्छा है, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का मुझे दुख है, जिस चीज़ का मुझे डर है कि ये तमाम रेजिडेंट्स, मेरे 50-60 रेजिडेंट्स सब बाहर मुल्क चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, अपने लोगों की खिदमत के लिए नहीं आएंगे। हमने अगर ये ब्रेन ड्रेन रोकना है तो हमने इस ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए इनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देनी है। वो अपॉर्चुनिटीज़ कौन क्रिएट करेगा? वो हमारी हुकूमत के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट इतने ज़्यादा है कि शायद वो न कर पाए, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। यहाँ हम प्राइवेट सेटअप से कहते हैं, हम अपने कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है उनसे कहते हैं, हम अपने मुखय्यर हजरात से कहते हैं आए हमारे साथ काम। जिस तरह कराची के SIOT में दीवान सलमान और बाकी जो बहुत बहुत बड़े मुखय्यर हजरात, उन्होंने उनके लिए टावर खड़े कर दिए, ऑनकोलॉजी का टावर, नेफ्रोलॉजी का टावर, ट्रांसप्लांट का टावर, बड़े बड़े जिस पर उनके नाम लिखे। हम आपको यकीन दिलाते हैं आप हम पर एतमाद करें, हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके नाम से टावर खड़ा होगा, आपके नाम से इक्विपमेंट खरीदी जाएगी, आपके लिए, आपके लवाहिकीन के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपके मरहूमीन के लिए फातिहा खानी होगी, सदका जारिया होगा, उनके ईसाले सवाब और उनके रोज़े महशर जो है ना, उनके लिए मग़फ़िरत की जो लिए दुआएं होंगी वो आपके मरहूमीन के लिए होंगी। आए हमारा साथ बताएं, वरना हम ये बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बीमारियाँ, माशरी तंगदस्ती जिसकी वजह से हमारा क्रीम ऑफ द सोसाइटी बाहर जा रहा है, हमें जंग हार रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें जंग हार रहे हैं,
हम ये जंग जीतेंगे उस वक्त जीतेंगे जब हम सब एक साथ काम करेंगे, अपनी हुकूमत के साथ मिल के काम करेंगे, उनके इनिशिएटिव के साथ। हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा मसला सेहत सहूलत कार्ड प्लस प्रोग्राम पे जो पूरे अक्रॉस द प्रोविंस अवेलेबल है, तो क्यों पारा चिनार से एक मरीज उठ के एक छोटे से ऑपरेशन के लिए किडनी सेंटर में 3 साल की तारीख लेके जाता है? क्या हम उसको वहाँ नहीं ट्रीट कर सकते? क्या जो अफगानिस्तान की आबादी आ रही, हमारे अफगानी भाई आ रहे हैं इलाज के लिए, क्या हम उनको वहाँ नहीं ट्रीट कर सकते? हम उनको उधर ही ट्रीट कर लेंगे। इससे इस सेंटर पे जब बोझ कम होगा तो इस सेंटर पे छोटी छोटी बीमारियाँ नहीं, बड़ी बीमारियों के इलाज होंगे। अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे पास सिंध से, पंजाब से, जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, अरब से, मेरे लिए वो मरीज़ आते हैं कि मैं वो जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है जैसे गुर्दे में रसोली होती है, वो गुर्दे की रसोली में मैं सिर्फ खाली वो कैंसर निकाल लेता हूँ, बाकी गुर्दा बचा लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है हम 380 से ज़्यादा ये ऑपरेशन कर चुके हैं। गुर्दे के बाकी रसोलियों के ऑपरेशन हम 700-800 से ज़्यादा कर चुके हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीरीज़ है, हम पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं। मैंने अपने ट्रेनीज़ को इतना ग्रूम कर लिया है कि अगर आप उनको वज़ीरिस्तान में बिठाएंगे वो वज़ीरिस्तान में भी कर लेगा, अगर आप उनको हंगू में बिठाएंगे वो हंगू में भी कर लेगा। हमने ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन कर दी है, लेकिन बस हमारी इल्तिजा है हमारे मुखय्यर हजरात से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारे पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, कि आए हमारा हाथ बटाएं, आए हमारा हाथ बटाएं, वरना ये ना हो कि फिर हम एक हारे हुए लश्कर की तरह सिर्फ खाली एक नाकामियों का एक मुँह बोलता सबूत बन जाए। तो सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए, सबसे पहली बात वो ये है कि परहेज इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी को अगर स्टार्ट में ही प्रिवेंट कर ली जाए तो बहुत अच्छा, अगर बीमारी हो गई है तो उसका बरवक्त इलाज। हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी यूरोलॉजी में प्रेस में लिखता रहता हूँ इस बीमारियों के हवाले से, हमारा इरादा है और हम लोग करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, हमने हर ज़िले में गए, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं बीमारियों से बचने के लिए। लेकिन जब अगर बीमारी हो गई, खुदा ना खास्ता जो हो सकती है, उसके लिए बेहतरीन तरीके है कि बरवक्त इलाज करें, बरवक्त इलाज करें मुस्तनद डॉक्टर से, बरवक्त इलाज करें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से। और अल्लाह का शुक्र है आपको वो MBBS डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके आपके ज़िले में, तहसील में, गांव में मिल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है नीम हकीमों के पास जाने की, नीम हकीम खतरे जान, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नीम हकीम के पास जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है आप अताई डॉक्टरों के पास जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपेंडिक्स का इलाज दम दारू के साथ करें। दम दारू बिल्कुल कराएं, दम दरूद कराएं कि अल्लाह करे ये ऑपरेशन कामयाब हो जाए और बाद में इसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, दुआ ज़रूर लें, लेकिन इलाज बरवक्त कराएं। बरवक्त इलाज सुन्नत खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, सुन्नत है ये इलाज जो है। और हमारे पास बदकिस्मती से जो मरीज़ कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं वो होते हैं जिनकी बीमारी को शुरू हुए 10 साल हो गए होते हैं, वो इधर उधर कहां कहां से इलाज कराते हैं, जब बिल्कुल आखिरी स्टेज आ जाती है तो फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो जो मेरा टेक होम मैसेज है आपके लिए वो ये है, परहेज़ इलाज से बेहतर है, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वर्जिश करें, सिगरेट नोशी से बचें, पानी ज़रा ज़्यादा पिएं खसूस गर्मी के मौसम में, गुर्दों का ख्याल रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, अच्छी फैमिली क्वालिटी फैमिली लाइफ गुजारें, स्ट्रेस डिप्रेशन इन लोगों से बचने चीज़ों से बचें, और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाती है तो मुस्तनद डॉक्टर से इलाज करें, खुदारा अताई डॉक्टरों से जिनके नाम सब कुछ ये दीवारों पे जगह जगह लिखे हुए हैं उनसे बचें, आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान चाहिए, जो 9th मिलेनियम गोल है हम उसे बहुत पीछे हैं, वो इसलिए
कि ना हम सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, ना ही मुस्तनद डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, और ना ही हम अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, हालांकि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड दिया है, सब्जियां अवेलेबल हैं, पानी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद हम उन चीज़ों से इस्तेफादा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया।